मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ। इतने सालों तक गरीबी और दुखों को देखने के बाद मैं आखिरकार ये जगह छोड़ रहा हूँ। दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा है, लेकिन मैं क्यों रुका हूँ? इसलिए मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ। रस्तु और मुजफ्फर की कविताएं सबने भुला दी और उन कविताओं के साथ उन्हें भी भुला दिया गया, इसलिए मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ। द गुड सिनेमा पेश करते हैं द बटरफ्लाईज ड्रीम। ये कहानी है रस्तु और मुजफ्फर की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कविताएं और शायरियां लिखने में बिता दिया, लेकिन उनकी कविताओं की तरह दुनिया ने उन्हें भी भुला दिया। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। 1940 के तुर्की लेबर एक्ट के अनुसार 15 से 65 साल के मर्द जो भी ज़ोनगुल्डक प्रोविंस से आते हैं, उन सबका कोयले की खदानों में काम करना अनिवार्य था। इसी के साथ हमें खदानों में काम करते वे मजदूर दिखाए जाते हैं जिनसे ज़बरदस्ती खदानों में काम कराया जा रहा था। खदानों में काम करने की वजह से लोगों में ट्यूबरक्लोसिस फैल रहा था और उस वक्त ट्यूबरक्लोसिस का कोई इलाज भी नहीं था, जिस वजह से लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। रुस्तो भी खदानों में काम करता था, उसे यहाँ हिसाब किताब करने के लिए रखा गया था। दूसरी तरफ मुजफ्फर को दिखाते हैं जो खम्भों पर चढ़ के टेलीफोन लाइन को ठीक किया करता था। ये लोग अपना गुजारा चलाने के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन दिल से तो ये शायर ही थे। वे दोनों शायरी के बारे में बात ही कर रहे होते हैं तभी उन्हें सूजन दिखी, जिस पर दोनों का दिल आ गया। देख कैसे लखा रहे हैं, जैसे कभी लोंडिया ही न देखी हो। इन दोनों को लगा कि सुंदर लड़कियां शायरी सुन के इनके प्यार में गिर जाएगी। रुस्तो ने कहा कि अगर मैं उस हसीन से कहूँगा कि तुम्हारे जैसा खूबसूरत इस जहां में मैंने कोई नहीं देखा सनम, जब तक कि मैंने आईने में खुद को नहीं देखा। मुजफ्फर को समझ नहीं आया कि ये लड़की की तारीफ हो रही है या फिर बेइज्जती, इसलिए उसने अपनी शायरी सुनाई कि दूर से तुम एकदम गुलाब लगती हो और पास से मेरी जान कोहिनूर की तरह नायाब लगती हो। अब पता चला कि इन्हें और इनकी शायरियों को सब भूल क्यों गए। खैर, इन्होंने न्यूज़पेपर में देखा और इस बार भी इनकी शायरी नहीं छपी, लेकिन इनके टीचर की शायरी छप गई, वो भी दोबारा। ये दोनों अपने टीचर को मुबारकबाद देने गए। इनका टीचर काफ़ी मुफ्त होता है। उसने कहा कि तुम्हें मेरी शायरी छपने की खुशी है या फिर पार्टी के नाम पे फ्री का खाना मिलेगा उसकी खुशी है। लड़कों ने कहा, ऑब्वियसली सर, खाने की। खाने के वक्त उन्होंने सर को बताया कि उन दोनों के बीच एक शर्त लगी है, लड़की को जिसकी शायरी ज़्यादा पसंद आएगी वही शर्त जीत जाएगा। मुजफ्फर ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, अगर लड़की को शायरी के बारे में कुछ भी पता होगा तो वो मेरी शायरी चुनेगी। इस पर रुस्तो ने कहा कि अगर उसने तेरी शायरी चुनी, इसका मतलब ये होगा कि उसे शायरी के बारे में उतना ही पता है जितना टोनी कक्कड़ को संगीत के बारे में। इसी सीरियस डिस्कशन में सर ने बड़ी कमाल की बात कही, अगर लड़की को शायरी पसंद आई, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे शायर भी पसंद आएगा। सर की इस बात ने लड़कों की आंखें खोल दी जो दारू के नशे में बंद हो रही थी। ये दोनों हाथ से लिखी हुई अपनी शायरी की किताब बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाथ से लिखी हुई किताब कौन ही खरीदेगा, और टाइपराइटर इनके बजट के बाहर था। ये इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी ने सूजन दिखी, जो अपनी सहेलियों के साथ डांस अकेडमी जा रही थी। ये दोनों भी उसके पीछे हो लिए। रुस्तु ने कहा कि वे लड़की को एक प्ले में रोल ऑफर करेंगे और इसी तरीके से उनकी बात आगे बढ़ेगी। जैसे ही लड़की अपनी सहेलियों के साथ नीचे आई, वैसे ही रुस्तु ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने लड़की से हाथ मिलाने के लिए हाथ भी बढ़ाया, लेकिन तभी उसे खांसी उठने लगी और लड़की उससे बिना हाथ मिलाए चली गई। ये बात मुजफ्फर को बहुत बुरी लगी। उसने कहा भी कि वे उस लड़की के लिए कोई शायरी नहीं लिखेंगे। रुस्तु ने उससे रीज़न पूछा तो मुजफ्फर ने कहा कि उसने तुमसे हाथ नहीं मिलाया इसलिए। तभी उनके टीचर भी रुस्तु से मिलने आ गए। उन्होंने रुस्तु को उसके पसंदीदा शायर की किताब गिफ्ट की, जिसे देखकर रुस्तु और मुजफ्फर बेहद खुश हो गए। वापस आते वक्त टीचर मुजफ्फर से पूछने लगे कि उसके हाथ से लिखी शायरी वाली बुक बिक रही है या नहीं। मुजफ्फर ने उन्हें बड़ी दिलचस्प बात बताई। उसने कहा कि एक मूंगफली वाला तो है जो मेरी किताब खरीदना चाहता है, वो भी सारी की सारी, लेकिन बहुत कम कीमत पर। टीचर ने उससे रीज़न जानना चाहा तो मुजफ्फर ने कहा कि उसे मूंगफली बेचने के लिए कागज़ चाहिए, और जब मैंने मूंगफली वाले से कहा कि ये कोई आम कागज़ नहीं बल्कि इस पर मेरी शायरियाँ लिखी है, तो उसने कहा कि लोग तुम्हारी शायरी भी पढ़ेंगे जब उनकी मूंगफली ख़त्म हो जाएगी। इस बात पर मुजफ्फर काफ़ी हंसा। तभी उन्हें सूजन मिली। टीचर सूजन को भी पढ़ाते थे, इसलिए उसने टीचर से हाथ मिलाकर उनका आदर सत्कार किया। ये देखते ही मुजफ्फर ने कहा, ओह तो तुम हाथ भी मिला सकती हो अगर चाहो तो। लड़की ने उसकी बात पे एक्सक्यूज़ मी बोला तो मुजफ्फर ने उससे पूछा कि तुमने मेरे दोस्त से हाथ क्यों नहीं मिलाया था। इस बात पर लड़की कुछ बोल नहीं पाई सिवाय इसके कि तुम्हारा दोस्त अब कैसा है। मुजफ्फर ने बताया कि वो हॉस्पिटल में है।
लड़की के जाने के बाद टीचर ने उससे पूछा कि वो लड़की के साथ इतना रूडली बात क्यों कर रहा था। मुजफ्फर ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्यार की भाषा लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने उससे बात की है वो मुझे आसानी से नहीं भूल पाएगी। और ये बात सच भी हुई। सूजन पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचती रही। इसके बाद मुजफ्फर लोहार के पास जाता है, वो भी अपनी किताब बेचने। लोहार ने उसे समझाया कि उसे पढ़ना नहीं आता, फिर भी उसने मुजफ्फर को पैसे दे दिए लेकिन बुक नहीं ली। इस पे मुजफ्फर ने कहा कि वो एक दिन ज़रूर उसका नाम अपनी शायरी में लिखेगा, कि एक लोहार शायरियों की कितनी कद्र करता था बावजूद इसके भी कि वो पढ़ नहीं सकता। फिर लोहार के दोस्त ने उसे कोई शायरी सुनाने के लिए कहा, और अगर उसे शायरी पसंद आ गई तो वो उस किताब को खरीद लेगा। मुजफ्फर ने यूं ही किताब का कोई पन्ना खोल लिया और उसमें से पढ़ना शुरू कर दिया। शायरी का नाम था मुर्दे की कहानी। अगर मैंने दोबारा जन्म लिया तो मैं मरने से पहले जीऊँगा, अगर मैंने दोबारा जन्म लिया तो मैं खून के आंसू पीने से पहले जाम पीऊँगा, अगर मैंने दोबारा जन्म लिया, अगर ऐसा हुआ तो मैं दिन में सोने और रात में जागने के बजाय दिन में जागूंगा और रातों में सोऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से ज़िंदा होऊंगा और अपनी ज़िंदगी को फिर से नहीं खोऊंगा, अगर मैंने दोबारा जन्म लिया तो मैं उसके पास वापस आऊँगा, इस बार उसे हंसाऊँगा क्योंकि पिछली बार उसे बहुत रुलाया था जब मैं जंग से लौट के वापस घर नहीं आया था। बाय द वे मूवी में जो शायरी थी वो मुझे समझ नहीं आई लैंग्वेज की वजह से, इसलिए मैंने खुद ही लिखी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके बताइए। अगले दिन वो लड़की मुजफ्फर से मिलती है और कहती है कि वो उसके दोस्त से हाथ मिलाना चाहेगी अगर वो उसे मौका दे तो। तो मुजफ्फर उसे रस्तू के पास ले आया, जो लड़की को देख के काफ़ी हैरान था और खुश भी। उन तीनों ने साथ में काफ़ी अच्छा वक्त बिताया। और फिर शायरी को लेकर उनके बीच लड़ाई हो गई। लड़की ने कहा कि उसे शायरी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर दोनों लड़के अपने रास्ते हो लिए और लड़की उनके पीछे आने के बजाय बस पकड़ के निकल गई। लड़के तो उसके साथ मजाक कर रहे थे लेकिन लड़की सच में निकल गई। इसके बाद शायरी लिखने के लिए मुजफ्फर ने अपने ऑफिस में से टाइपराइटर चुरा लिया, लेकिन घर पर भी वे टाइप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टाइपराइटर के शोर की वजह से मुजफ्फर का मकान मालिक सो नहीं पा रहा था। इसलिए लोग बालकनी में आ गए और टाइपिंग करते वक्त गलती से टाइपराइटर नीचे गिर गया। टाइपराइटर वापस न करने की वजह से मुजफ्फर को काम से निकाल दिया गया। अब खाली पेट वो क्या ही लिखेगा, इसलिए वो वापस अपने घर आ गया जहां उसके बाप ने उसे काम पे लगा दिया। 4 बाल्टी पानी कूलर में डालने के बाद अब उसे शीशा पकड़ के रखना था ताकि पिताजी अच्छे से शेव कर सके। पिताजी ने शेव करते करते ये भी कह दिया कि तेरे जैसी नालायक औलाद पैदा होने से बढ़िया तो हमारे घर मिस्टर बीन पैदा हो जाता, कम से कम वो हंसाता तो सही। इसके साथ वे दोनों सूजन के साथ प्ले की तैयारी करने लगे। उनकी तैयारी जोरों पे थी। इस प्ले का हीरो था मुजफ्फर और हीरोइन थी सूजन, सूजन। लेकिन वो प्ले पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बीच में ही सूजन का बाप उसे लेके चला गया। वो नहीं चाहता था कि सूजन ऐसे लड़कों के साथ उठे बैठे जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक बीमारी हो रखी है। बात तो सही है, लेकिन असली कारण तो ये था कि वे लोग सूजन के मुकाबले गरीब थे। अब रस्तू की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। वो तो अच्छा हुआ कि टीचर ने उसके इलाज के लिए सैनिटोरियम में अप्लाई कर रखा था, और टीचर के इन्फ्लुएंस की वजह से सैनिटोरियम वालों ने रस्तू को बुला भी लिया। सैनिटोरियम एक ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों का इलाज किया जाता था। वो कोई आम हॉस्पिटल नहीं बल्कि काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटल था जहाँ पेशेंट्स को हर तरीके की सुविधा दी जाती थी। एक तरीके से वहाँ पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था ताकि ट्यूबरक्लोसिस की कोई वैक्सीन बनाई जा सके। अगले दिन रुस्तु मुजफ्फर से अलविदा कह के चला गया। जाने से पहले रुस्तु ने उसे अपनी शायरी दी और वो शायरी सूजन को देने के लिए कही, और उसे भी अपनी शायरी लिखने के लिए कहा ताकि पता चल सके कि सूजन को उन दोनों में से किसकी शायरी ज़्यादा पसंद आएगी। रुस्तु को अभी भी अपनी शर्त याद थी। मुजफ्फर ने घर आके बड़ी एक्साइटमेंट में शायरी लिखी क्योंकि वो सूजन के लिए जो थी। फिर उसने वो शायरी सूजन को दे दी और सूजन उसे बिना पढ़े वापस चली गई। वो मुजफ्फर के साथ खदानों के अंदर जाना चाहती थी लेकिन मुजफ्फर ने उसे मना कर दिया ये कहते हुए कि नीचे जाना सेफ नहीं है। लेकिन अगले दिन वो उसे लेने आ गया और फिर उसने सूजन का हुलिया बदला और वे दोनों खदानों में चले गए जहाँ की हकीकत देखकर सूजन के तोते उड़ गए। इसके बाद उसने कभी नहीं कहा कि मर्द कामचोर या फिर नल्ले होते हैं, लेकिन बाहर जाते वक्त वे लोग फंस गए क्योंकि बाहर जाने से पहले उनके कपड़े उतरवा के उन्हें नहलाया जा रहा था। सूजन की हालत ख़राब होने लगी। पहले तो मुजफ्फर गया और फिर सूजन का नंबर आ गया। जैसे ही गार्ड ने उसकी टोपी उतारी वैसे उसकी पोल खुल गई। अब उसके पिताजी उसे लेने आ गए
उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए प्रसाद भी दे दिया और फिर मुजफ्फर को भी बढ़िया तरीके से प्रसाद मिल गया। अब मुजफ्फर की भी तबीयत खराब थी, वो भी ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो चुका था। टीचर उसे अपने साथ सैनिटोरियम ले गए, लेकिन वहाँ संडे होने की वजह से उनकी एंट्री नहीं हो पाई। वो तो टीचर को हेड सर्जन दिख गया। उसने सर्जन को मुजफ्फर को एडमिट कराने के लिए कहा, लेकिन सर्जन नहीं माना क्योंकि पहले ही बहुत लोग कतार में लगे हुए थे। टीचर ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा कि कतार में लगे बाकी लोग शायर नहीं होंगे, लेकिन मुजफ्फर एक शायर है, अगर इसे कुछ हो गया तो दुनिया एक नायाब हीरा खो देगी। उन्होंने मुजफ्फर को उसकी एक शायरी सुनाने के लिए कहा, जब मैं चला जाऊंगा तो वो कहेंगे कि उसने सिर्फ शायरी लिखी और फिरता रहा बरसात की रातों में किसी आवारा की तरह। वो कहेंगे कि घर तो था उसका मगर वो जिया बिल्कुल बंजारों की तरह। वो कहेंगे कि ख्वाबों में भी उसने शायरी ही की होगी, गर करता ना वो इश्क तो मरता ना वो बेचारों की तरह। वो कहेंगे कि जिया वो जिंदगी भर बंजारों की तरह। ये शायरी सुनते ही सर्जन ने उसे एडमिट कर लिया। इसके बाद उसने अपने जिगरी रुस्तू को देखा जो मैदिया नाम की लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। मुजफ्फर को देख रुस्तू बेहद खुश हुआ। ये जगह बहुत बढ़िया थी, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और ना ही और किसी चीज़ की। फिर रुस्तू ने उसे ऐसी चीज़ दिखाई जिसे देखकर मुजफ्फर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। एक ऐसा कमरा जिसमें इतने सारे टाइपराइटर रखे हैं। उसने सूजन को कई सारे लेटर लिखे लेकिन उनमें से कोई भी सूजन तक नहीं पहुँच पाया। मुजफ्फर को भी लगने लगा कि वो सूजन को नहीं बल्कि खुद को ही लेटर लिख रहा है। फिर मैदिया और रुस्तू को दिखाते हैं जो बर्फ़ में खेल रहे थे। तभी मैदिया के पेट में दर्द होने लगा। वे लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए और रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे पता चल सके कि उसके दर्द क्यों हो रहा था। यहाँ तक कि रिपोर्ट के हिसाब से उसका ट्यूबरक्लोसिस भी ठीक हो चुका था। फिर एक प्रोग्राम के दौरान रुस्तू ने मैदिया के लिए एक लेटर लिखा। उसने वो लेटर नर्स को पास किया और नर्स ने दूसरी नर्स को, जिसने वो लेटर पढ़ लिया। वे लोग लेटर पढ़ के मुस्कुराए लेकिन मैदिया नहीं मुस्कुराई। रुस्तू ने लिखा था आई लव यू और फिर मैदिया ने जवाब में लिखा कि वो जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज होने वाली है। फिर रात में रुस्तू उसके कमरे में पहुँच गया और उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मैदिया ने उसके प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैदिया की घर वापसी हो गई और यहाँ से मैदिया ही नहीं गई बल्कि रुस्तू और मुजफ्फर भी आ गए थे। अब रुस्तू और मैदिया की शादी हो गई और मुजफ्फर सूजन से मिलने गया। मैदिया जल्दी बीमार पड़ने लगी और रुस्तू के पास उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, बावजूद इसके भी कि उसकी और मुजफ्फर की कविता मैगजीन में छप गई थी। फिर भी उनके पास चवन्नी भी नहीं आई। इसलिए जोक चलता है कि अगर कवि की जेब में से 500 का नोट निकल गया तो इनकम टैक्स वाले उस पर छापा मार देंगे कि उसके पास 500 रुपये आए कहाँ से। सो ऐसा ही कुछ हाल इनका था। रुस्तू मैदिया से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक रोज़ वो चल बसी। रुस्तू उसकी याद में जीते जी मर गया और रुस्तू को इस हाल में देखकर मुजफ्फर भी आधा पागल हो गया। उन दोनों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वे दिन रात शायरी और कविताएं लिखते रहे। अब उनकी ज़िंदगी में दारू, सिगरेट और शायरियाँ ही बची थी। लेकिन बहुत जल्द ये सब भी जाने वाला था, क्योंकि ज़िंदगी नहीं होगी तो फिर ना शायर रहेगा और ना ही उसकी शायरी। रुस्तू ने अपने दोस्त की बाहों में दम तोड़ दिया और मुजफ्फर उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उन्होंने रुस्तू की कब्र मदिया के बराबर में लगाई और मुजफ्फर ने उस पर शायर लिख दिया। फिर सूजन मुजफ्फर से मिलने आई, वो उससे गले लग के खूब रोया और फिर वो भी उसे छोड़ के चली गई। ये कहानी थी उन दो शायरों की जिन्हें वक्त के साथ भुला दिया गया। मदिया की मौत अपेंडिक्स के फटने से हुई थी। उस वक्त इसका कोई इलाज नहीं था, इवन डॉक्टर्स को इसके बारे में पता भी नहीं था। सूजन ने अपनी आगे की जिंदगी लिटरेचर की टीचर के तौर पर बिताई। लड़कों के टीचर तुर्की के जाने माने कवि बन गए। रुस्तू की मौत उसकी पत्नी के मरने के ठीक बाद 1942 में ही हो गई थी, जब वो 22 साल 17 दिन का था। मुजफ्फर की मौत 1946 में हुई, उस वक्त वो 26 साल का था। ये फिल्म उन शायरों को डेडिकेटेड है जिन्हें उनकी शायरी की तरह भुला दिया गया। कैसी लगी फिल्म कमेंट करके बताइए। और अब देखते हैं आज के शाउटआउट्स। प्रजापति कह रहे हैं कि बात स्कूल या प्रिंसिपल पे आ जाए तो बच्चे सिस्टम पाड़ देंगे। मुरसालेन को द गुड सिनेमा पेश करते सुनना पसंद है। टैग 320 ने लिखा है कि अब्दू बी लाइक आओ सालो मारो मुझे। डीमन स्लेयर फैंस ने लिखा है अब्दू बी लाइक क्लास में तालियां बज रही है और अली और जहरा मेरी बजा रहे हैं। अनुष्का को भी प्रिंसिपल वाली बात सही लगी। सूरज SSC के एस्पिरेंट है। एटैक को फिल्म का मैसेज काफी पसंद आया। जैन हॉर्स राइडर का नाम ले लिया
अब ये मत कहियो कि ये तेरा असली नाम नहीं है। जेड सबको उम्मीद नहीं है कि मैं उन्हें शाउट आउट दूंगा। और नीचे वाले भाई का नाम है हर्ष। फैज खान को पसंद आया कि कैसे रफ़ी अब्दू से फाइट सीख रहा था, अब्दू से नहीं अली से। सुनैना को जहरा की बोली और धनुष वाला सीन बढ़िया लगा। भरत सैनी को भी इंट्रो पसंद आया। और अमन सिंह बहुत दिन से हेलो बोल रहे हैं। स्वरूप ने सही कहा कि ब्रिटेन की जल रही है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ द राइट आंसर। और लास्ट में यकीन अग्रवाल कहते हैं कि सफ़ेद पाउडर ही असली खजाना है। रिलैक्स गाइस, नमक की बात हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।